अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हैरिस कुमैल हैदर एंड वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। तो बच्चे, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 11 को शुरू किया था, जिसमें हमने डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस के हवाले से बात की बेटा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने स्टडी किया कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज को हमने देख लिया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रीवियस लेक्चर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आगे, और इसके बाद हम ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 7 जो है आपका, ऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 1 जिसको हम कहेंगे, लेकिन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 को हम आज पढ़ेंगे साथ। ठीक है बच्चे, तो अब ज़रा आपके पास स्लाइड ज़रा शो हो जाएंगे थोड़ी देर तक। स्लाइड अभी बस आपके सामने शो हो रहा है बेटा, स्लाइड्स को जब मैं ओपन करूंगा तो फिर वहां से हम डिस्कस शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आपके सामने स्लाइड ओपन हो गया जी। नंबर 1 आपके पास है बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक होगा दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली याद रखिएगा बेटा, ये सम है ऑफ द एक्सपोनेंट टू विच द कंसेंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन आर रेस्ड इज कॉल्ड, क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड पर देखे सारे बच्चे, जरा एक मिनट में जरा इसको यहाँ पे, जी बेटा वहाँ बेटा स्लाइड इसका मसला यह हुआ था, कल मैंने रात को अपलोड किया था लेकिन वो शेयर नहीं हुआ था, वो मेरे पास में अभी मैंने चेक किया तो वो अपलोड नहीं हुआ था। मैं लेक्चर के बाद जब आपका लेक्चर ख़त्म हो जाऊंगा हो जाएगा तो शाम टाइम पे मैं आपको ये सारे जितने भी रिमेनिंग स्लाइड्स रहते हैं वो सारे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसमें मेरे ख्याल कोई एरर आ रहा था, इस वजह से मेरे ख्याल वो शेयर नहीं हो सका है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, शाम टाइम पे मैं उसको चेक कर लूँगा। एक बच्चे का मुझे मैसेज भी आया था कि सर आपका स्लाइड शो नहीं हुआ है, तो मैं जब मैंने चेक किया तो वहाँ से शेयर ही नहीं हो रहा था, वहाँ से ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो मैं देख लूँगा बाद में कुछ एरर है वो रिमूव करके मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 ये चारों आपको मैं अलग अलग PDF के फॉर्म में सेंड कर देता हूँ, और कल नहीं परसों, और सर फुल बुक, जी बेटा फुल बुक MCQs मैं आपको संडे के दिन संडे को मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चे, संडे को मैं तकरीबन शाम तक, तकरीबन 7-8 बजे तक या 6-7 बजे तक मैं आपको कंप्लीट विद आंसर की फुल बुक MCQs को मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चे, अब मैं अलग से आपको वर्कशीट नहीं दूंगा, आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है उसका अलग मैं आपको इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें पास पेपर भी कवर हो वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। इसके अलावा जब ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगा तो हम ऑर्गेनिक से रिलेटेड इस तरह करेंगे और फिर इनऑर्गेनिक से रिलेटेड करेंगे। ठीक है बच्चे, तो मैं संडे को अपलोड कर दूँगा जो MCQs हैं, बाकी लेक्चर्स में आज शाम तक लाजमी आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है बच्चे, इसमें कोई परेशान ना हो, इंशाल्लाह शाम तक मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है बच्चे, चलिए जी ज़रा हम लेक्चर की तरफ, लेक्चर को देखते हैं ज़रा बच्चे। आपके पास आपके सामने स्लाइड शो हो रहा है बेटा, ठीक है, जिसमें हमने अभी कहा बेटा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है, यहाँ बोर्ड पे ज़रा देखे सारे, आपको बोर्ड नज़र आ रहे हैं बच्चे। फॉर एग्ज़ाम्पल A+B है, दे कन्वर्ट इनटू C+D। ठीक है बच्चे, और लेट एज्यूम हम कहते हैं कि हमारे पास ये A है, ये B है, और ये C है, ये D है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशी। हमारे पास क्या है, A^A (B)^B। यहाँ पे जो आपके पास A और B है ये कंसेंट्रेशन ऑफ A और B रिएक्टेंट है। अब यहाँ पे आपके पास K भी है, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, रेट विल बी इक्वल्स टू K × मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ, अब इसके लिए अगर हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करें तो C × C हो जाएगा, अगर हमारे पास D × D हो जाएगा, मतलब अगर मैं इसको रिएक्टेंट कंसीडर करूं तो मेरे पास क्या होगा ये, और अगर मैं इसको रिएक्टेंट कंसीडर करूं तो मेरे पास ये हो जाएगा। मैं वैसे एक जनरल रिएक्शन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑर्डर है वो निकालने का तरीका क्या है बेटा, ऑर्डर इज बेसिकली सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, ये जो एक्सपोनेंट्स है इनके सम के बराबर होगा। तो मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे रिएक्टेंट ए जो हमारे पास है वो A+B, तो दिस A+B इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस रिएक्शन में, मैं अज्यूम करता हूँ इस रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो फॉर एग्जांपल 2 है, और कंसंट्रेशन ऑफ बी मेरे पास फॉर एग्जांपल 0 है, तो मैं यहां पे मेरे पास ऑर्डर क्या निकल आएगा, ऑर्डर निकल आएगा बेटा, ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू
ऑर्डर किसके बराबर होगा, 2 प्लस 0 दिस विल बी इक्वल्स टू 2, इट मींस द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो मतलब आपके पास कोई भी रिएक्शन हो आप वहां से उसके एक्सपोनेंट को सम अप करके आप आसानी से क्या बता सकते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसमें मेरे ख्याल किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है ये जरा आप लोग पढ़ लेना बेटा इसमें, कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन के हवाले से बात की है रिएक्शन इक्वेशन के अंदर। मिसाल के तौर पर आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है और आप चाहते हैं कि भाई उस रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल यही रिएक्शन हम सपोज कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पर बोर्ड पर देखें इसी रिएक्शन को, मिसाल के तौर पर आपके पास ये रिएक्शन है, ये प्रोसीड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि भाई हर टाइम इंटरवल्स के बाद मेरे पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है रेट क्या होगा, वो आप किसी भी टाइम इंटरवल्स पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास मेथड क्या होगा बेटा, एक तो आपके पास फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड्स है, और एक आपके पास केमिकल मेथड्स है। जो फिजिकल मेथड है उसमें तो आप हाफ लाइफ मेथड से भी कर सकते हैं, इसके अलावा जो आपके पास केमिकल मेथड है इसमें सबसे बेस्ट हमारे पास जो मेथड है दैट इज ट्राइट्रेशन। ट्राइट्रेशन के जरिए आप आसानी से इनकी कंसंट्रेशन के रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगी तो आप रेट आसानी से वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा टाइप्स आपको पता है यहाँ पे बेटा, हमारे पास कुछ टाइप्स है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड है, थर्ड है, सोडोस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा इसमें एक बात याद रखिए, बाकी सारे तो नाम से ही जाहिर है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास वो रिएक्शन है जिसमें जो रेट है वो किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। सेकंड के लिए आपके पास रेट दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, थर्ड में तीन। जो आपके पास यहाँ पे सोडोस फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है वही फर्स्ट ऑर्डर ही है, लेकिन इसमें सोडोस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आप सॉल्वेंट लेंगे वो बेटा सॉल्वेंट हमेशा, जो मिसाल के तौर पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ले ले, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में जो वाटर है वो एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है, जो चीज़ एक्सेस में है उसको वो कांस्टेंट रख देते हैं। ज़्यादातर हमारे वाटर की ही हम बात करेंगे, अगर वाटर भी मौजूद हो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के अंदर तो बेटा याद रखिएगा उस एस्टर के अंदर जो हाइड्रोलिसिस है उसमें जो रेट है वो वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे बेटा, उस एस्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। ऐसे रिएक्शंस को हम सोडोस ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन जिसमें हमारे पास फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी हो कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमारे पास 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, ये आपके स्कोप से आउट है, लेकिन जस्ट आप नाम याद रखिएगा फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा जी एग्जाम्पल हमारे पास दिया बेटा एमसीक्यूज के हवाले से, आपने याद रखनी है जी। तो कुछ एग्जांपल्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेटा, कि आपके सामने अभी शो हो जाएंगे बेटा, एक जस्ट वन मिनट बेटा आप जरा यहाँ पे एक जी, आपके सामने एक स्लाइड में अभी शो करता हूँ बेटा, क्या कर रहा जस्ट अ मिनट बेटा जरा। अच्छा जी चले, आपके पास अब मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ बेटा, आपके सामने शो हो गया होगा मेरे ख्याल है, देखे जरा आपके सामने स्लाइड शो हो गया बेटा, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, इन एग्जांपल्स को आपने मेमोराइज करना है बेटा। ठीक है, इस एग्जांपल्स को आपने देखना है, इसमें आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जाम्पल सिंपल दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपके सामने दिया हुआ है। अब इसमें आप देखें जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास बेस्ट एग्जांपल एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा बेटा, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो सारे के सारे जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शन से मुराद क्या है बेटा, आपके पास फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस आपके पास एक तरह से क्या है बेटा, ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर जो रेट है वो डिपेंड नहीं करती। ये चैप्टर 7 नहीं है बेटा, ये चैप्टर नंबर 11 है वहाँ बेटा। अच्छा जी, तो ये 7 है, कहाँ से आ गया 7? नहीं बच्चे चैप्टर नंबर ये आपके 11 है बेटा, ये आपका क्या पता नहीं क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, तो जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस है लाइक, इसके अलावा हमारे पास अगर आपको याद हो तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर भी ये बातें हो दोबारा से, वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, फॉर एग्जाम्पल CH4 है,
अगर सी एच फोर के अंदर अगर आप हेलोजिनेशन करें, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोरिनेशन करता हूँ, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा बेटा, सीरीज ऑफ स्टेप्स के बाद जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनता था दैट वाज CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, साथ में HCl बनते थे। HCl आपके पास चार बनेंगे, ठीक है बच्चे, और कार्बन टेट्राक्लोराइड आपके पास फॉर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें दो यहाँ पे लगा दे, मैं दो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें सनलाइट चाहिए है, याद रखिए कि बेटा सनलाइट के बगैर ये रिएक्शन कभी प्रोसीड नहीं होगा, जिसको हम एच न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हेलोजिनेशन, इस प्रोसेस को, ये जो हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ये जो अल्केन की हेलोजिनेशन है, इसके लिए सनलाइट चाहिए। मीन टू से कि दिस रिएक्शन इज आल्सो अ फोटो केमिकल रिएक्शन, मतलब ये लाइट की मौजूदगी में होगी। अगर आप वहां पे, अगर आपको याद हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने ये चीज पढ़ के आया था बेटा, कि आपके सामने स्लाइड आउट हो गया, नजर आ रहा है बेटा स्लाइड आपके सामने शो हो रहा है ना, स्लाइड बताया जरा बच्चे मुझे, जरा स्लाइड शो हो रहा है आपके सामने जी, स्लाइड शो हो रहा है बेटा, जरा बताया मुझे जल्दी से, रिस्पांस करें ना बच्चे, एक बच्चे भी अगर रिस्पांस करे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्लाइड शो हो रहा है बेटा, हाँ जी, हसन बेटा, जफर, परवा, वहाब, मोमिन, अहमद, हाशिर, हाँ जी, मोहम्मद फजर जी, बेटा स्लाइड शो हो रहा है आपके सामने, बताओ यार जल्दी से जी बच्चे, स्लाइड शो हो रहा है मेरे ख्याल है, ठीक है, यहाँ से जरा, ठीक है, स्लाइड शो, यस सर, ठीक है बेटा, तो जी जी बच्चे, ओके हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो सारे के सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की एग्जांपल दिया हुआ बेटा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा बेटा, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन को डायरेक्ट देख के नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यहाँ पे N2O5 की डिकम्पोजिशन अगर हम देखें, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर हमें ऑब्वियसली ये है और नजर भी आ रहा है। मतलब कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, यहाँ बोर्ड पे जरा देखिए, एक रिएक्शन है ए प्लस बी और ये कन्वर्ट हो रहे फॉर एग्जाम्पल सी प्लस डी में, ठीक है बच्चे। अब ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, या इसको हम सिंपल इस तरह भी कह सकते हैं, मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ बेटा, इसको जरा अच्छी तरह समझो ताकि आपके माइंड से क्लियर पॉइंट क्लियर हो जाए। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन हो, मैं इसी को दोबारा यहाँ पे बता दूंगा, पहले मेरी बात जरा सुन ले बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली हम हमेशा उस स्टेप का लेते हैं जो स्लो स्टेप होगा, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, उसी स्टेप से हम ऑर्डर को ले लेते हैं। मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए बच्चे, ए फॉर एग्जाम्पल सी में जाना है, तो ये ए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले बी में जाएगा, इसके बाद फिर सॉरी डी में जाना हो तो ये फॉर एग्जाम्पल सी में जा रहा है, इसके बाद डी में जा रहा है। मतलब ये आपके पास ये डायरेक्ट स्टेप है, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट स्टेप नजर आ रहा है बेटा, और ये आपके पास इनडायरेक्ट स्टेप है। हो सकता है कि भाई आपके पास ये तीनों, ये 1 2 3, ये 3 स्टेप, 1 2 3 स्टेप, अगर 3 स्टेप्स के बाद अगर आपके पास डी बन रहा है, इसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इसमें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, स्लो स्टेप है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इनके कंसंट्रेशन के जो एक्सपोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम कह सकते हैं ए और बी, ए और बी की जो कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर 1 और 0 शो हो रहा है, लेकिन जब हमने रेट लिखा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पर जो थ्योरेटिकल इक्वेशन है वहां से हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑर्डर 3 आ रहा था, तो इस केस में ऑर्डर 3 नहीं आएगा, बल्कि ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 इसलिए क्योंकि जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो मतलब सिंपल वर्डिंग में आप कह सकते हैं कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमेशा कहां से लेंगे बेटा, एक्सपेरिमेंटली लेंगे, और एक्सपेरिमेंटली भी हम कहां से लेंगे बेटा, उस स्टेप से लेंगे जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा। देखिए कुछ स्टेप बहुत फास्ट होते हैं, कुछ बहुत स्लो हो जाते हैं बेटा, जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसी के अंदर जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है उसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट करते हैं। इसके अलावा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की भी एग्जांपल दिया हुआ बेटा, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या है बेटा, ये वो टाइम, वो पीरियड है यार, बंद हो रहा है यार, वो टाइम पीरियड है जिसमें आपके पास 50% ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके क्या बना रहा हो बेटा, प्रोडक्ट बना रहा हो, या जिसमें आपके पास 50% रिएक्टेंट बच जाए, बाकी तमाम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, इस टाइम को हम क्या कहेंगे बेटा, हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। इसमें एग्जांपल बेटा एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आपके सामने दिया हुआ यहाँ पे,
दैट इज, एक तो आपके पास नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का दिया हुआ है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड 45 डिग्री सी है, और इसके लिए हाफ लाइफ होगा 24 मिनट्स, और हाफ लाइफ पीरियड फॉर दी यूरेनियम दैट इज 7.1 × 10⁸ या 710 मिलियन ईयर्स। ये बेटा एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, पेपर के हवाले से, कि जो आपके पास 710 मिलियंस ईयर्स ऑफ द, मतलब 710 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख है तो आप मल्टीप्लाई कर दें, तो इतने ईयर्स उसके लिए क्या होगा बेटा यूरेनियम, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 kg यूरेनियम है, तो 1 kg यूरेनियम मिसाल के तौर पर आपके पास 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम से ये 50 ग्राम तक आते आते आपके पास 710 मिलियंस ईयर लगा देंगे, मतलब इतना ज़्यादा जो है आपके पास हाफ लाइफ पीरियड है। तो ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी है, ठीक है बच्चे। मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे सामने शो कर रहा हूँ, तो क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हाफ लाइफ पीरियड के बाद आपके पास एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जांपल हो गया बेटा। और इसके बाद नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग टू हाफ लाइफ पीरियड, जिसमें हम हाफ लाइफ पीरियड्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और हाफ लाइफ पीरियड फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसके लिए जो फार्मूला है टी हाफ होल एन का मतलब ये है कि आपके पास जो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं, तो जो हाफ लाइफ होगा या हाफ लाइफ पीरियड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ए वन अपन वन बाई ए एन माइनस वन। यहाँ पे जो ए है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और माइनस वन आपने वहां से करना, ये फार्मूले से आपके पास आया हुआ है। इसके बाद है कुछ मेथड्स है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें मेथड आपके पास मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल है, ग्राफिकल मेथड है, डिफरेंशियल मेथड है, और मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस है। इनकी डिटेल्स जाहिर बात नहीं है, सिर्फ आपको ये मेथड याद होना चाहिए कौन कौन सा मेथड है। फॉर एग्जांपल आपसे पेपर में पूछ दें कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर इस तीन आपके पास ऑप्शन दे दे और आगे कहे ऑल ऑफ दिस, तो आपने ऑल ऑफ दिस को ऑब्वियसली टिक करना है, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेटा याद रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी हमें ये आपने याद रखनी बेटा कि ये वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है फॉर द इफेक्टिव कोलिजन के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल की इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है बच्चे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है एमसीक्यूज के हवाले से, ये जरा आप लोग पढ़ लेना बेटा, इसमें ये पॉइंट्स मैं आपको शो करने लगा हूँ, ये आपके सामने ये आ गया बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग टू आर्हेनियस सॉरी रिगार्डिंग टू वालेकुम सलाम बेटा रिगार्डिंग टू एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है वो आप ज़रा यहाँ से पढ़ लेना बेटा, ठीक है। जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, याद रखिएगा बेटा, जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तब तक कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बातें कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो आप ज़रा पढ़ लेना। और आपके पास एक एक्टिवेशन एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसमें आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर के साथ सॉरी क्या रिलेशन है, उसमें आपके पास एक आर्हेनियस नामी जो है केमिस्ट ने अपना एक रिलेशन दिया हुआ है, वो आपने ज़रा सिर्फ इक्वेशन को याद रखिएगा, के इज इक्वल्स टू ए ई रेस्ट एक्सपोनेंशियल आपके पास पावर है माइनस ई ए अपान आर टी, यहाँ पे के आपके पास रेट कांस्टेंट है, और ए आपके पास क्या है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट कहेंगे बेटा, और ई ए आपके पास आर्हेनियस कांस्टेंट है, ई आपके पास एक्सपोनेंट है, माइनस ई ए आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, और आर आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी आपके पास टेम्परेचर है। अब यहाँ से इसी में ही आपके पास एक और चीज़ आ जाती है बेटा, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्लोप। इसमें आपने बात याद रखनी है बेटा कि यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपको डिस्कस करने लगा हूँ, इसमें दिस इक्वेशन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रेट कांस्टेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया, के इज द एक्सपोनेंशियल रिलेटेड टू द एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे वन बाई टी का किसके साथ बेटा, लॉग के साथ, तो आपके पास जो यहाँ पे स्लोप आएगा, उस स्लोप से आप क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं बेटा, यहाँ से सॉरी स्लोप आप फाइंड कर सकते हैं इसी में लॉग के और 1/T के दरमियान अगर आप ग्राफ ड्रा करें, तो यहाँ से आप टेन थीटा से भी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपके पास x2 - x1 डिवाइडेड बाय y2 - y1 से भी आप यहाँ से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपने जो बात याद रखनी है वो स्लोप निकालने का फार्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, स्लोप निकालने के लिए ई ए अपान 2.303 R है। और याद रखिएगा बेटा यहाँ पे जो यूनिट होगा स्लोप के लिए एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, स्लोप के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे दैट इज केल्विन। अच्छा जी,
इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, दैट इज कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिसिस ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स है बेटा, इनको जरा आप देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना इसको जरा। कैटालिसिस आपको पता है जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। और इसमें आपने बात याद रखनी कि कैटालिस के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, होमोजेनस कैटालिस है, हेट्रोजेनस कैटालिस है। जो होमोजेनस कैटालिस है उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट और कैटालिस दोनों का फेस सेम होगा, या दोनों गैशियस फेस में होगा, या दोनों लिक्विड फेस में होगा, या सॉलिड फेस में होगा, इनको हम होमोजेनस कहेंगे। और हेट्रोजेनस कैटालिस कौन से होंगे बेटा, वो कैटालिसिस जो जिसमें वो कैटालिसिस रिएक्शन जिसमें आपके पास कैटालिस्ट और रिएक्टेंट का जो फेस है वो डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, वहां से आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है बच्चे जी। क्लियर हो गया बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट है ये, आप जरा इसको भी रीड आउट कर देना बेटा, मैं सारी अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसको अपलोड पढ़ लेना, ठीक है बेटा। इसमें आपके पास एमसीक्यूज के हवाले से जो पॉइजन कैटालिस के हवाले से, पॉइजन कैटालिस से मुराद ये है कि वो इम्प्यूरिटी जो किसी भी कैटालिस की एक्टिविटी को एफिशिएंसी को कम कर देती है। इसमें आपके पास HCl कैन पॉइजन प्लेटिनम इन डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड हेबर प्रोसेस के अंदर अगर आ जाए तो ये क्या करेंगे बेटा, पॉइजन कर देंगे विनाडियम पेंटाऑक्साइड को। इसके बाद एक्टिवेशन एक्टिवेशन ऑफ द कैटालिसिस, इसमें आपके पास कुछ एग्जांपल दिया, वो प्रोमोटर क्या है, प्रोमोटर आपके पास, प्रोमोटर क्या चीज़ है बेटा, प्रोमोटर इज द सब्सटेंस विच स्पीड अप द एक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट, मतलब एक कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, उसको प्रोमोटर कहते हैं। इनहिबिटर उसको कम कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं उसकी एक्टिविटी को। ऑटो कैटालिस्ट वो है जो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है किसी भी रिएक्शन में वो खुद एज ए कैटालिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एंजाइम कैटालिसिस है बेटा, एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम्स आर दी प्रोटीनियस सब्सटेंस विच आल्सो स्पीड अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस विदाउट बीइंग कंज्यूम देम, अपने आप को खर्च किए बगैर वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिक इनएक्शन होते हैं, ठीक है बेटा, और हाईली स्पेसिफिक सब्सट्रेट्स फॉर सब्सट्रेट्स के लिए होगा बेटा। और एंजाइम हमारे पास यहाँ पे जब सब्सट्रेट के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, इसके बाद प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम दोबारा वापस रीजनरेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल में यूरियस है, जाइमेस है, डिहाइड्रोजिनेस है, हाइड्रोलेस है, माल्टेस है। करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम याद रखिएगा बेटा, इनके इनके पास एक एक्टिव साइट होते हैं, ठीक है, एक्टिव साइट्स होते हैं जो किसी भी कैटेलिस की एक्टिविटी को इन्हेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे कैटालिस्ट, इसके अलावा पीएच भी एक ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए कैटालिस्ट के लिए, अगर ऑप्टिमम पीएच ना हो तो भी जो जो एंजाइम है वो अपना वर्क एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने दे दिया बेटे, उसको ज़रा आप लोग पढ़ लेना, ठीक है बच्चे। इसके बाद आपका बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका बेटा यहाँ पे आपका फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री क्लियर हो गया जी बेटा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जी बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेशन, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्या, एक्टिवेशन एनर्जी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं? नहीं बेटा मोमिन, बेटा एक्टिवेशन एनर्जी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं कह सकते। चलो मैं आपको पहले इसको जरा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरी बात जरा सुने बेटा जरा। एक्टिवेशन एनर्जी अलग चीज़ है, एक्टिवेशन एनर्जी मसलन आपके पास देखे रिएक्शन कब होगा, रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। एक तो मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स की, एक मिनट में जरा आपको मार्कर से यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा बेटा। जो आपके पास किस मॉलिक्यूल अगर आपस में रिएक्शन शो करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो मॉलिक्यूल है, इधर देखे जरा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। कोई भी मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट तब करेगी बेटा जब इनके पास दो कंडीशंस फुलफिल हो। नंबर वन, एक तो ये है कि इन मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो एक मॉलिक्यूल इस तरह ना हो, मतलब जब ये दोनों इस तरह होंगे तो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसकी जो है ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है और इसकी ओरिएंटेशन फॉर एग्जाम्पल इस तरह से है, तो ये कभी रिएक्ट नहीं कर सकती। फिर पहली बात तो ये है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। दूसरी बात, एक्टिवेशन एनर्जी या कोलिजन जो इसके आपस में जो कोलिजन हो वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन से मुराद यहाँ पर आपको इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि फॉर एग्जांपल आपके पास, आप इसको इस तरह से समझे, फॉर एग्जांपल आपने देखा बेटा ये शीप्स के आपस में लड़ते हुए देखा है आपने, शीप
शीप जो शीप्स होते हैं वो आपस में जब लड़ते हैं तो लड़ने से पहले, फॉर एग्जांपल दो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इधर देखिए जरा मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, दो यहाँ पे हैं तो पहले वो पीछे चले जाते हैं, इसके बाद आके आपस में टकराते हैं, ठीक है ना, फिर पीछे जाते हैं फिर आके आपस में स्ट्राइक करते हैं। ये जो पीछे जाना बेसिकली ये क्या चीज दे रहा है बेटा, इसको इफेक्टिव कोलिजन दे रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पीछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन मॉलिक्यूल के आपस में जो कोलिजन है उसको परफेक्ट बनाने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। वहां आपने सवाल किया कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि आपके पास एक, लेट सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल ने आपस में कोलाइड करना है, वो किस फ्रीक्वेंसी से आपस में कोलाइड कर रहा है दैट इज द कोलिजन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब आपके पास एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी ना बेटा, उसकी एक कसाफत आप उसको आप कह सकते हैं, या उसको आप एक एफिशिएंसी कह सकते हैं किसी भी कोलाइड होने की। जाहिर बात है एक आपके पास कोलिजन कुछ इस तरह से हो गया, कुछ आपके पास इस तरह से कोलिजन हो गया, कोई साइड से कोलिजन हो गया, बट आपके पास एक जब इफेक्टिव कोलिजन होगी, जितनी ज़्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आसानी से वो रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। तो रिएक्शन के लिए, आपस में कंबाइन होने के लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा होना ज़रूरी है। मतलब आप इन सिंपल वर्डिंग कह सकते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द एफिशिएंसी ऑफ द कोलिजन, या एक इफेक्टिव कोलिजन को हम क्या कह सकते हैं बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया सबको जी बच्चे? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी बच्चे अब यहाँ से आगे हम ऑर्गेनिक को शुरू करेंगे बेटा, ठीक है। अब ज़रा आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़रा और ज़्यादा ध्यान से और इंटरेस्ट से सुनना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्वियसली क्वेश्चन आना है, ज़्यादा आना है ऑर्गेनिक पार्ट से भी ज़्यादा। यहाँ पे आपके ई कैट में तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, कहीं से भी आता है, लेकिन ज़्यादातर आपके ऑर्गेनिक से आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आएगा, और कुछ कुछ एम सी क्यू से आपके इनऑर्गेनिक से, और कुछ इनऑर्गेनिक से ज़्यादा फिजिकल से आता है, ये जो आपका फर्स्ट ईयर है। तो मेडिकल वाले के तो जो एम डी कैट है उनका तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑर्गेनिक से ही आता है उनके, ठीक है बच्चे। मैं ज़रा आपको यहाँ पे मेरे अपने सामने ज़रा इसको ओपन करूँ, स्लाइड्स को ज़रा आपके सामने शो हो रहा है, मेरे सामने अभी शो नहीं हुआ, मैं ज़रा इसको ज़रा देख लेता हूँ पहले। जी बेटा ठीक हो गया, मेरे सामने अब ओपन हो गया। अच्छा जी, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा चले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से अगर हम बात करें, तो एक बात याद रखिएगा बच्चे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री है वो बेसिकली शुरू होता है बेटा बर्जिलस से और वुलर से शुरू होता है, ठीक है। वो सारे उनकी सबकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, जैसे आपने कुछ पॉइंट्स को याद रखना है जो मैं आपको यहाँ पे अभी शेयर करूँगा। अगर हम 200 साल से 300 साल पीछे चले जाए तो पुराने ज़माने में ये कंसेप्ट था कि भाई जो प्लांट और एनिमल्स है और जो मिनरल है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सोर्स है उनसे हासिल होने वाले कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कहते हैं, और जो मिनरल सोर्स है जो ज़मीन से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, ज़मीन से आप डिराइव करते हैं, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। ये क्योंकि बर्जिलस एक बंदे का, जाहिर बात है केमिस्ट था बर्जिलस, उसने अपने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दिया हुआ था। उस वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक क्या था बेटा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिनरल से नहीं बना सकते इन लेबोरेटरी, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक माइस्टीरियस फोर्स के जरिए बनेगा। दैट माइस्टीरियस फोर्स इज नॉन एज वाइटल फोर्स, और इसी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। काफ़ी अरसे तक लोगों ने इसको सच माना, क्योंकि उस ज़माने में वुलर का, सॉरी बर्जिलस का एक बहुत बड़ा नाम था, ठीक है, वो बहुत बड़ा नाम था इस बंदे का, और सारे इसके पैरोकार भी थे। ही वॉज अ क्रिश्चियन, और वो एक पादरी भी था, पादरी से मुराद जो उनके इबादत वगैरह को लीड करते हैं, तो जो क्रिश्चियंस के जो इबादत वगैरह को लीड करते हैं उसको पादरी कहते हैं, ठीक है, आई थिंक सो। तो मतलब एक तरह से वो बड़ा पादरी था, और दूसरी बात जेब बर्जिलस का जो कंसेप्ट था उसको तमाम ने एक्सेप्ट किया, मतलब किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं आया कि वो उसको गलत साबित करे जेब बर्जिलस को। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वुलर आया, वुलर ने यूरिया को सिंथेसाइज किया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज पोटाशियम साइनेट, ठीक है, अमोनियम साइनेट, सॉरी अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट से उसने यूरिया बना दिया, तो हुआ ये कि वाइटल फोर्स थ्योरी को एक तरह से धचका लग गया, मतलब उसके अगेंस्ट शुरू हो गए। फिर लोगों ने वुलर को मारने के लिए भी बड़ी कोशिश की, मारने से मुराद उसको धमकाया है, भाई तुम जो है जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हैं, हमारे जो
पादरी है या जे बर्जिलस है उसने जो बताया था वो सच है और आखिरी आखिर है, इसके अलावा कोई बात नहीं आ सकती, आप अपनी तरफ से बकवास कर रहे हैं। उसको बड़ी चैलेंजेस का सामना हुआ है वुलर को, लेकिन स्टिल नो, क्योंकि वो बंदा ज़ाहिर बात है वुलर की भी अपनी कंट्रीब्यूशन है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कहते हैं वुलर को तो कोई कम नहीं होगा, क्योंकि जो राह दिखाया उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो बेसिकली वुलर था। खैर, बात किस्सा मुख्तसर यह है कि वुलर की कंट्रीब्यूशन से यूरिया बना दिया। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने वुलर को देखते हुए अपना काम शुरू किया। फिर एसिटिक एसिड हो गया, फिर आपके पास मीथेन गैस को प्रोड्यूस किया। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते गए बेटा, आज कहते हैं कि अबाउट 70 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, जो कि आपके पास लेबॉरेटरी प्रिपेयर्ड है। ठीक है बच्चे, मतलब सिंपल वर्डिंग में आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत डाइवर्स फील्ड है जिसमें बहुत सारे एरिया कवर हो जाते हैं। लाइक आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, जितने भी मेडिसिन है, आपको पता है मेडिसिन के बगैर तो कोई बंदा बीमार हो जाए तो ठीक भी नहीं होता कभी। मेडिसिन आपको पता है आजकल वैसे भी यहाँ पर पाकिस्तान में हालत ही कुछ अजीब सा है। खैर, मैं बताना यह चाह रहा था बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके हर चीज़ में है, मतलब आपका सोने से लेकर जागने तक, उठने तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। वो कैसे बोला, रात को सोते वक्त, आजकल तो मेरे ख्याल नहीं है, रात को सोते वक्त अगर आपको मच्छर काटे तो आप अपने हाथ के ऊपर या हथेली के ऊपर या स्किन के ऊपर आप मॉस्पेल वगैरह पेस्ट कर देते हैं ताकि जो मॉस्किटो है वो आपको बाइट ना कर सके। और सुबह उठने के बाद जो सबसे पहला काम आप करते हैं बेटे, दैट इज़ टूथ ब्रश करते हैं आप, तो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं ब्रश के लिए, वो पेस्ट बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आई डोंट नो कि आप में से कोई सुबह ब्रश करते होंगे या नहीं होंगे, ठीक है बच्चे, लेकिन जो ब्रश करते हैं ऑब्वियसली जो पेस्ट है वो बेसिकली क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप जो कपड़े पहनते हैं वो सारे के सारे आजकल सिंथेटिक फाइबर से बनाते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा आपके शूज़ हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बेटा, हर चीज़ में ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ख़ास तौर पे जो फीमेल है उनमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ द मेकअप के लिए जो आप कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है बच्चे, तो मतलब ईच एंड एवरीथिंग में अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है बच्चे, चले हम ज़रा अपने टॉपिक को ज़रा कवर करते हैं बेटा। वाइटल फोर्स थ्योरी की मैंने बात कर ली, वो वुलर की कंट्रीब्यूशन की मैंने बात कर ली, कुछ फीचर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से। लाइक अब आपके सामने मेरे ख्याल शो हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, वाइटल फोर्स थ्योरी और वुलर की कंट्रीब्यूशन हो गई। इसके बाद कुछ फीचर्स है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से। ठीक है, कैटिनेशन का अमल है, ये सारे आप चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कोलिन इन नेचर होते हैं बेटा, सिमिलरिटी इन बिहेवियर, जो होमोलोगस सीरीज है, आइसोमेरिज्म है, सॉलिबिलिटी है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, वोलेटिलिटी, नॉन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्लो रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये सारी बातें आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास मेन सोर्सेज एनिमल एंड प्लांट्स है, कोल है, नेचुरल गैस है बेटा, पेट्रोलियम है, दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जिसमें हमारे पास एनिमल और प्लांट्स के अंदर, यहाँ पे कोल में जो आपने एमसीक्यूज के हवाले से जो बात याद रखनी है बेटा, वो आपके पास यहाँ पे ये है कि कोल की कुछ क्लासिफिकेशन है। वुड अगर हमारे पास बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन से, या बैक्टीरियल एक्शन और केमिकल एक्शन से क्या बनेगा, पीट बनेगा, कार्बन कंटेंट है, बेशक आप ये साथ लिख के रखिएगा बेटा, ज़रा साथ साथ लिख ले, पीट के अंदर कार्बन की परसेंटेज होती है 59% कार्बन होती है। लिग्नाइट में तकरीबन आपके पास 69% होते हैं, बिश्यूमिनस में आपके पास 79 होते हैं बेटा, एंथ्रासाइट में आपके पास 89% कार्बन होती है। ठीक है, ये एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, वैसे मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ कोल में आपको पता है, जो आपके पास इसकी इंपॉर्टेंस जाहिर बात है ज़्यादा है, क्योंकि आप इसको एज अ फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कार्बोनाइजेशन कहते हैं बेटा जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज को इंक्रीज करना। अगर आप कोल को हीट करें हाई टेम्परेचर पे, तो ये आपके पास इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, कोल गैस में, कोक में, कोल तार वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोक आपके पास बेटा एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। कोल तार के अंदर तकरीबन 215 टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स है, और कोल गैस आपके पास मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेचुरल गैस आपके पास ये बनेगा कैसे बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से बनेगा।
नेचुरल गैस यहाँ पे हो गया बेटा, पेट्रोलियम की बात हम करेंगे तो पेट्रोलियम भी आपके पास क्या है बेटा, ये रिफाइंड फॉर्म ऑफ दी मिनरल ऑयल्स है, ठीक है बच्चे। और ये जो मिनरल ऑयल्स है बेसिकली ये आपके पास क्रूड ऑयल है जो रॉक से हम हासिल करते हैं, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको हासिल करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहते हैं बेटा, अगर आप किसी मिक्सचर से कंपोनेंट्स को अलग करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से आपको एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को जरा पढ़ लेना बच्चे। मैं जरा आपकी बैटरी चेंज करवा देता हूँ क्योंकि बैटरी डाउन हो गई है। अच्छा बच्चे, बैटरी चेंज हो रहा है, इसके बाद फिर हम ज़रा इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा ये सर सीधा कर। अच्छा बच्चे तो यहाँ पे आपके पास एक टेबल बना हुआ है बेटा, इस टेबल को ज़रा देखें जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो आप कंपोनेंट्स हासिल करते हैं उन कंपोनेंट्स के नाम दिया हुआ है और साथ में आपके पास एक जो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपको ये मिलेंगे वो भी बताया हुआ है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहेंगे, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप बॉइलिंग पॉइंट के बुनियाद पर कंपोनेंट्स को किसी भी मिक्सचर से क्या करते हैं बेटा, सेपरेट आउट करते हैं, अलग करते हैं, दैट इज़ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये टेबल आप लोग देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। सर एफ एल बी का सिलेबस बता दें प्लीज़, एफ एल बी का सिलेबस आपका चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 होगा, 8, 9, 10, 11 सॉरी 8, 9, 10, 11 और कल जो पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक होगा, मतलब आपके पास चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और ऑर्गेनिक का चैप्टर 7, 8, 9, ठीक है। कल और परसों तक हमने 9 को ख़त्म करना है, इसलिए अभी आपके पास टाइम वैसे है, कल मैं आपको फाइनल बता देता हूँ, ठीक है बच्चे। इसके बाद क्रैकिंग क्या है बेटा, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं बेटा हायर हाइड्रोकार्बन को इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इसमें आपके पास एग्जांपल भी दिया हुआ है हेक्सा डीकेन का, ठीक है। इसको अगर आप हीट करें तो आपके पास हेप्टेन और इथीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, साथ में 1-propene भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं। एम सी क्यूज़ के हवाले से जो बात आपने याद रखनी है वो इस टेबल में दिया हुआ है, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग में क्या क्या टेम्परेचर होगा और क्या प्रेशर होगा या क्या जो है मेन प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपने देख लेना बेटा। रिफॉर्मिंग आपके पास कन्वर्जन है, एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को आप कन्वर्ट कर देते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर और ये इंक्रीज करते हैं ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल। अब आपको पता है ऑक्टेन नंबर क्या चीज़ है बेटा, ऑक्टेन नंबर इज़ द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ एन हेप्टेन एंड आइसो ऑक्टेन, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है, आइसो ऑक्टेन का एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, ठीक है बच्चे। और इसके बाद आपके पास है बेटा नेक्स्ट, दैट इज नॉकिंग। नॉकिंग आपको पता होना चाहिए, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो जो शार्प मेटालिक साउंड है वो उसको हम क्या कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। ऑक्टेन नंबर अभी मैंने आपको बता दिया कि आपके पास किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को डिटरमिन करती है, अगर आपके पास उस फ्यूल की बेटा मैं आपको कल बता दूंगा चैप्टर के नाम में आपको कल बता देता हूं क्योंकि अभी अभी तो मैं मुझे जरा ये पढ़ाने दे बेटा, जरा खत्म करने दे, अभी कल परसों है ना, नहीं अब मंडे को है ना टेस्ट, तो मैं आपको कल फाइनल बता दूंगा क्या सिलेबस होगा, ठीक है बच्चे। कल फाइनल सिलेबस बता दूंगा, अभी आपके पास है कल का दिन है, मंडे को आपका टेस्ट हो रहा है तो मैं कल आपको बता दूंगा फाइनल, अभी आप ज़रा लेक्चर पढ़े बेटा ज़रा। अच्छा जी, ऑक्टेन नंबर हो गया बेटा, ठीक है। और मेथड टू इम्प्रूव ऑक्टेन्स, हमारे पास एक तो सिंपल यही क्रैक रिफॉर्मिंग है, इसके अलावा हमारे पास टेट्रा इथाइल लेड, या एम सी क्यूज़ के हवाले से याद रखिएगा बेटा, ठीक है। टेट्रा इथाइल लेड के जरिए भी हम नॉकिंग को कम कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
ये जरा देख लेना बेटा, ओपन चेन और साइक्लिक चेन के हवाले से दिया हुआ है। ओपन चेन में हमारे पास स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन है, और साइक्लिक में हमारे पास होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सारे हमने वन बाय वन आगे पढ़ना भी है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप याद रखिएगा बेटा, वो डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जो किसी भी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करती है। ठीक है बच्चे, तो इसमें आपके पास कैरेक्टरिस्टिक में आपके पास यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया हुआ है, इसमें तमाम के तमाम फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, अमाइन, इमीन, एस्टर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एस्टर्स, थायो अल्कोहल, अल्काइल साइनाइड, नाइट्रो कंपाउंड्स। तो ये आपके पास एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, इनके फंक्शनल ग्रुप को आपने मेमोराइज करना, याद रखना इनको। आपसे एमसीक्यूज के हवाले से पूछ सकते हैं बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मार्केप्टो ग्रुप, या आपसे पूछ सकते हैं थायो ग्रुप, तो आपको याद रखना कि सल्फर एस एच ग्रुप इज द क्या है बेटा, एस एच ग्रुप इज द थायो थायो अल्कोहल या मार्केप्टो ग्रुप। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन है, इसको हमने पहले भी पढ़ किया है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये यहाँ पे मुझे मेरे ख्याल है दोबारा इसको डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है बेटा, इसको आप लोगों ने याद रखनी है। एमसीक्यूज क्या वाले, सारे एमसीक्यूज है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच एमसीक्यूज है बेटा, और इसमें आपके पास देखिए आपसे कोई भी कंपाउंड उठा के पूछ सकते हैं, बॉन्ड एंगल क्या है, सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड्स होंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, ये सारे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ टेबल के अंदर, इसको आप लोगों ने ज़रा देख लेना बेटा, ये सारी बातें हमने पहले भी की है। इसको आइसोमेरिज्म, आइसो मीन्स सेम, मेरिज्म मीन्स क्या है बेटा, आपके पास स्ट्रक्चर, मतलब आइसोमेरिज्म में आपके पास वो कंपाउंड है जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। यहाँ पे एमसीक्यूज के हवाले से एक टेबल दिया हुआ है, इसको आपने ज़रा याद रखनी है। नंबर ऑफ कार्बन अगर हमारे पास चार हो तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, दो होंगे। ये एमसीक्यूज के हवाले से बेटा इस टेबल को अच्छी तरह याद रखना है, यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है। चार अगर हमारे पास कार्बन हो तो दो आइसोमर्स होंगे, पाँच हो तो तीन होंगे, छः हो तो पाँच होंगे बेटा, इसी तरह सात हो तो नौ होंगे, एट हो तो अठारह आइसोमर्स होंगे, नाइन है तो 35 होंगे, टेन है तो 75 आइसोमर्स होंगे, मतलब का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात हो रही है। मतलब डीकेन के अंदर, डीकेन के अंदर कितने आइसोमर्स होंगे बेटा, डीकेन के अंदर हमारे पास आइसोमर्स की तादाद होंगे बेटा दैट इज 75 बेटा। ये जब आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा ना बेटा फरवा, तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। ये यहाँ पे ऐसे मेरे पास पीपीटी स्लाइड्स है, इसलिए आपको यहाँ पे सही तरह नज़र नहीं आ रहा, जब मैं इसका पीडीएफ फॉर्म अपलोड कर दूंगा तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, और इसके बाद नेक्स्ट है बेटा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, आपके पास डिफरेंट टाइप्स है, चेन है आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप है, मेटामेरिज्म है। ठीक है बेटा, इसको अपने ज़रा देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेटा दैट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इस ट्रांस आइसोमेरिज्म में याद रखिएगा कि जो हमारे पास कार्बन टू कार्बन, दो कार्बन कम से कम होना चाहिए और दोनों कार्बन के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। पहली बात, डबल बॉन्ड के साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, हमारे पास जो कार्बन होंगे इसमें वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे, और जो ग्रुप इसके साथ अटैच है उसमें एटलीस्ट टू डिफरेंट ग्रुप्स का होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चे, इसके अलावा आपके पास टाइटोमेरिज्म है जिसमें शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन के जरिए ज़िविटर आयन बनता है बेटा, ये आपके सामने शो हो रहा है ज़िविटर आयन की फॉर्मेशन, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स दोनों है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपके पास एक और एमसीक्यूज के हवाले से एक और टेबल यहाँ पे मैंने दिया हुआ, उस टेबल को जरा देखें, डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड आइसोमर, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंस इसके जरिए आपके पास एक टेबल दिया हुआ है। अब आप जरा एक एमसीक्यूज को जरा डिस्कस करते हैं हम जरा। ठीक है बच्चे, एक एमसीक्यूज को हम जरा डिस्कस करते हैं, डाइट को कैसे खत्म। मैं तो अब ये अब हो गया। ठीक है बच्चे, अच्छा अब मैं आपसे एक एमसीक्यूस यहाँ पे डिस्कस करूँगा बेटा, आपका चैप्टर नंबर 7 खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक एमसीक्यूस मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ बेटा, ज़रा मुझे बताना है आपने, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एमसीक्यूस लिख रहा हूँ बेटा, डाई
मिथाइल ईथर तो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म विथ, जी बच्चे नंबर ए CH3, CH2OH, बी CH3OH, सी आपके पास आएगा C6H6, H5OH, ये बच्चे, और डी नन। जी बच्चे ज़रा बताएं मुझे कि इसमें से जो आपके पास डाई इथाइल ईथर है, ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप इनमें से किस कंपाउंड के साथ शो करेंगे? जी बच्चे, हाँ जी, बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको, पहले आपका ये खत्म कर देता ऑर्गेनिक, इसके बाद इनऑर्गेनिक भी करेंगे हम। 29 तक आपका ये सिलेबस मैंने खत्म करना है, गो थ्रू करना है 29 तक, इसके बाद फिर हम इनके इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज और टेस्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे? जी बेटा मुझे इसका आंसर जरा बताएं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे एक एमसीक्यू मैंने दिया है, दैट इज कि भाई आपके पास अगर एक लेट सपोज आपके पास एक कंपाउंड है, दैट इज डाई मिथाइल ईथर शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म विथ, जी बेटा आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा है? हाँ जी बच्चे कह रहे हैं कि भाई बी ऑप्शन है। कौन कह रहे बेटा बी ऑप्शन? आई थिंक सी। अच्छा वहाब कह रहे हैं बेटा सी है, और उस्मान कह रहा है बी है, और फरवा कह रहा है डी है, और जल्दी से बताएं मुझे जल्दी से। हाँ जी आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी नहीं है बेटे, इसका मतलब है। हाँ इसका एक्चुअल आंसर ना तो बी है, ना तो सी है, ना तो डी है, आंसर है ए। लो जी अब तुम लोग ये भी नहीं बता सका, कम अस नहीं मोमिन बेटा, डी नहीं है, ए। क्यों ए है बेटा जरा यहां पे देखें, हमारे पास दो कंपाउंड है, एक है हमारे पास CH3O, और इसको जरा देखें CH3 CH2OH। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे तो क्या होगा C2H6O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, इन दोनों का सेम होगा। देखे जरा यहां पे आप जरा देखे, दो कार्बन है, दो कार्बन है, छह हाइड्रोजन है, छह हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इसमें देखा एथेनॉल में देखे दो कार्बन, वन और टू दो कार्बन, हाइड्रोजन कितने थ्री, वन थ्री टू टू फाइव, फाइव टू वन सिक्स, और ऑक्सीजन कितने वन, तो इसका मतलब है ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है किसके साथ बेटा, ये है एथेनॉल के साथ। ठीक हो गया बच्चे, क्लियर हो गया सबको? इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा? आपका टाइम भी खत्म हो गया बच्चे, ठीक है तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं बेटा, कल हम इंशाल्लाह हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक्स को हम कल ख़त्म करेंगे, इसके बाद जल्दी से हम आपका जो है ना ये एक दफ़ा इसको गो थ्रू करने के बाद एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया करेंगे, ठीक है? मैं आपको संडे के दिन, संडे तक मैं आपको ये जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है इसके 100 एमसीक्यूज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है बच्चे? वो आपसे शेयर करने के बाद फिर मैं आपको ऑर्गेनिक ख़त्म करवाऊंगा, ऑर्गेनिक ख़त्म करने के बाद हम ऑर्गेनिक के भी 100 एमसीक्यूज़, ठीक है 100 एमसीक्यूज़ आपको मैं दे दूंगा, और इसके बाद इनऑर्गेनिक के मैं कम दूंगा, तकरीबन 50 या 40 50 एमसीक्यूज़ दे दूंगा। इसके बाद 2 दिन, 2 डेज़ हम सिर्फ इन्हीं एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, 2 डेज़ हम सिर्फ और सिर्फ, हमारे यहाँ पर कोई लेक्चर नहीं होगा, जितने एमसीक्यूज़ मैंने आपको दिया तकरीबन ये 200-250 एमसीक्यूज़ बन जाएंगे, उन 200-250 एमसीक्यूज़ को वन बाय वन हम यहाँ पे बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है बच्चे? तो यहाँ पे आपका लेक्चर हमारा बेटा यहाँ पे वाइंड अप करते हैं बेटा, ख़त्म हो गया, ठीक है? तो बच्चे आप लोग लेक्चर के हवाले से अपने रिव्यूज़ लाजमी दे दीजिएगा बेटा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा, अपना रिव्यूज़ लाजमी देना है आपने, और रिव्यूज़ में अपने रीज़न भी लिखने हैं आपने, ठीक है? जो रिव्यू आप देते हैं उसका रीज़न भी लिखा करें, कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो आप साथ साथ वो मेंशन भी कर दिया करें, ठीक है बच्चे? और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।